हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड स्टार। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आप कैसे FI का पोजीशन को देखकर निफ्टी का रिवर्सल पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, FI का जो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं एंड उसका चार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं एंड कैसे रिवर्सल पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। डिटेल्स में आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेड स्टार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपको दो चार्ट शो कर रहा है। जो ऊपर वाला चार्ट ये है, ये है निफ्टी का और नीचे जो ग्रीन वाला चार्ट है ये है FI का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन। FI फ्यूचर में कितना परसेंट लॉन्ग पोजीशन बनाया है अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो देखिए, मल्टीपल टाइम प्राइस जब भी ना यहाँ पे 70 से 75% के आसपास आ गया है इंडिकेटर का वैल्यू, उसके बाद देखिए इंडेक्स में यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है। आपको हमेशा से इस इंडिकेटर में आपको एक्सट्रीम का वेट करना है। 70 से 75% के आसपास जब नेट लॉन्ग चला जाएगा उसके बाद निफ्टी में एक रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, अगर FI का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज यहाँ पे बिलो 25% आ जाएगा उसके बाद मार्केट में मैक्सिमम टाइम रिवर्सल हो जाता है। देखिए, हमेशा से बोल नहीं सकते लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये इंडिकेटर को यूज करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20-25% के आसपास, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम अगर देखेंगे जब भी यहाँ पे FI का नेट लॉन्ग बिलो 20-25% के आसपास आ गया है, रिवर्सल आ गया है। आप मार्क कर सकते हैं कितना बार जब भी यहाँ पे लोअर साइड के ऊपर आ जाता है 25 या उसके नीचे रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। देखिए, इस इंडिकेटर अगर नीचे के साइड देखेंगे ना 25% के आसपास एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा है, अपर साइड में जो ओवरबॉट जोन में वहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ा लो है। जैसे जैसे करके आप इसको यूज करेंगे उसके बाद FI का जो पोजिशन को ट्राई करके भी आप मार्केट का बॉटम या टॉप को एक एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आ रहा है इस इंडिकेटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, इसलिए आपको जाना पड़ेगा स्ट्राइक मनी का वेबसाइट के ऊपर एंड लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको फ्री में आपका जीमेल के थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन कर देने के बाद आपके सामने इस टाइप का एक होम पेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन शो कर रहा है। देखिए, जो मिड ऑप्शन है ना उसके पास माउस का क्रसर लेना है। जैसे ही माउस का क्रसर लेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेंटीमेंट इंडिकेटर का। आप यहाँ पे सिंपली सेंटीमेंट इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे FI का जो भी पोजीशन है, DI का जो भी पोजीशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड रिप्रेजेंट होगा चार्ट के थ्रू, जो सबसे बेस्ट है। आपको NSE वेबसाइट में आपको डाटा मिल जाता है लेकिन हिस्टोरिकल डाटा को आपको चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेल आता है, एडवांस एक्सेल, तो आप एक्सेल में कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे स्ट्राइक मनी को यूज कर सकते हैं। क्लियर कट देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा FI इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन, ओके लॉन्ग परसेंटेज, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला निफ्टी का चार्ट है, नीचे वाला इंडिकेटर FI इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज का इंडिकेटर। जैसे ही आप एक बार चार्ट को पूरा जूम आउट करके देख लेंगे उसके बाद आप समझ पाएंगे कैसे एबव 70-75 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है एंड वहाँ पे निफ्टी का रिवर्सल आता है एंड करेक्शन आता है। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट 25 या उसके नीचे यहाँ पे बॉटम रिवर्सल हो जाता है। एक बार आपको प्रैक्टिस करेंगे तो इस इंडिकेटर को समझ पाएंगे। उसके साथ और भी डाटा यहाँ पे, अगर DI का पोजीशन आपको चेक करना है, यहाँ पे DI का पोजीशन है, क्लाइंट का पोजीशन है, क्लाइंट प्लस FI इंडेक्स फ्यूचर का पोजीशन है, सारा डाटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे FI का डाटा, DI का डाटा एंड क्लाइंट का डाटा को एनालिसिस करके एक मार्केट का व्यू भी बना सकते हैं एंड ये सारा डाटा आपको चार्ट के थ्रू हिस्टोरिकल डाटा के साथ फ्री में मिल जाता है। अब सिंपली आपको स्ट्राइक मनी में ये सारा डाटा को एनालिसिस करना है एंड आपका ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।